गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 3 डेफ एंड म्यूट के वर्ड मीनिंग करेंगे। इसकी डिक्टेशन हम पहले कर चुके हैं, तो वर्ड मीनिंग करने से स्टार्ट करने से पहले ऊपर डेट डाल लीजिए 30 जुलाई 2020। लेसन 3 डेफ एंड म्यूट, लेसन का नेम जरूर लिखना। तो क्या कर रहे हैं हम, वर्ड मीनिंग, तो लिखिए वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, वर्ड नेम लिखने के बाद नोटबुक को कर लीजिए सेंटर फोल्ड, ताकि वर्ड के नीचे वर्ड आए और मीनिंग के नीचे मीनिंग। ठीक है, करें स्टार्ट। स्टोरी किसके बारे में थी, कौन था स्टोरी में? दो बैगर थे ना, भिखारी थे ना। तो फर्स्ट वर्ड इज बैगर, BEGGAR, बैगर। बैगर मीन्स भिखारी, बैगर मीन्स भिखारी। बैगर मीन्स भिखारी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज पीस, PEACE, पीस। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं। ठीक है, पीस, पीस मतलब टुकड़ा, पीस मीन्स टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में गत्ता, आधा ता है जो हमने पूरे ता के साथ ज्वाइन करके लिखना है, क्योंकि आधा अक्षर हमेशा पूरे अक्षर के साथ चिपक के लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज हैंग, HUNG, हैंग। हैंग मतलब लटकाया, हैंग मतलब लटकाया। ठीक है, लटकाया था ना उन्होंने अपनी छाती पे गत्ता का टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती, चेस्ट मीन्स छाती। नंबर 5 चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती। नेक्स्ट वर्ड नंबर 6 पिटी, PITY, पिटी। पिटी मतलब दया, पिटी मतलब दया कर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड थ्रू, THREW, थ्रू। थ्रू मतलब फेंक दिया, उनको पैसे फेंक कर दिए थे ना, तो थ्रू मतलब फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। कॉटेज मतलब कुटिया, कुटिया या घर, टूटा फूटा घर होता है ना, तो बोलते हैं कुटिया। ठीक है, नंबर 9 इज शाउटिंग, SHOUTING, शाउटिंग। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, चिल्लाना। एक बार ये जो आधा ला है वो पूरे ला के साथ टच होके बनेगा, ठीक है ना, हमेशा आधा अक्षर अगले पूरे अक्षर के साथ टच होके बनता है। हो गया, उसके बाद नंबर 10 इज पास्ड, PASSED, पास्ड। पास्ट मतलब गुजरना, गुजरना। ये गुजरना किसी के आगे से गुजरने वाला है, मरने वाला गुजरना नहीं है। एक बार लोग मर जाते तो कहते ना गुजर गया वो, तो वो गुजरना नहीं है, ये है किसी के आगे से निकल के जाना। ठीक है, पास मतलब गुजरना। नंबर 11 चीट, CHEAT, चीट। चीट मतलब
धोखा, धोखा, इट मीन्स धोखा, धनी ध धोखा, ठीक है। नेक्स्ट इज एंग्री, ए एन जी आर वाई, एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, एंग्री मीन्स गुस्सा। अभी देखो इधर मैंने आधा सा किसके साथ टच किया है, पूरे सा के साथ, ठीक है। एंग्री मीन्स गुस्सा। नेक्स्ट इज लेम, एल ए एम ई, लेम, लेम मतलब क्या बताया था, लंगड़ा, लेम मीन्स लंगड़ा, जो सही से चल नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूट, एम यू टी ई, म्यूट, म्यूट मतलब मूक, जो बोल नहीं सकता, ठीक है। ये थे आज के वर्ड मीनिंग, ध्यान से करना साफ साफ राइटिंग में, ओके, गुड बाय।